अपने प्रेगनेंसी में तो वेयर करेंगे ही समर अप्रोप्रिएट है बेबी को फीडिंग करवा सकते हैं तो वर्क किया हुआ ये बहुत ही प्यारा लगेगा बहुत ज्यादा हेवी नहीं लगेगा बट इसके वर्क आप इजिली पूजा में शादी में hey guys, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मैटर्निटी ड्रेस मॉमी ड्रेस बिकॉज आप प्रेगनेंसी के बाद भी ये वेयर कर सकते हो और समर ड्रेस तो डेफिनेटली उटिंग एनी टाइम लेट्स येलो कलर मुझे तो बहुत पसंद है और काफी इसमें कलर भी निकल के आता है और ये काफी अच्छा है तो ये वाला तो मैंने जो साइज में लिया है वो एल साइज में है कॉटन मैं प्योर कॉटन नहीं बोलूंगी मिक्स में है पर काफी अच्छा एकदम कंफर्टेबल uh, है और प्रेगनेंसी में तो बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल है ये वाली uh, कुर्ती और आगे अब देख सकते हैं इस तरीके से ये बटन दिया गया थोड़ा सा गोटा पट्टी का वर्क किया है अदरवाइज बहुत ही प्यारा है एंड द बेस्ट पार्ट इस ड्रेस का कि ये ऑब्वियसली आप बाद में भी वेयर कर सकते हैं फिटिंग के लिए बेस्ट है क्योंकि इसके दोनों साइड इस तरीके से चेन दिए गए हैं तो आप इजीली इसे अपने प्रेग्नेंसी में तो वेयर करेंगे ही उसके बाद भी आप इसे वेयर कर सकते हैं बेबी को फीडिंग विडिंग कराने के लिए नेक्स्ट इस दिस रेड कलर में पूरे ड्रेस में इसमें व्हाइट कलर का फ्लावर वाला प्रिंट दिया गया है एंड ये इसका मटेरियल एक्चुअली मुझे वो येलो वाले से भी ज्यादा अच्छा लगा काफी सॉफ्ट है वेयर करने में बहुत कंफर्टेबल है इसमें हल्का सा ये जो व्हाइट कलर का लेस दिया है नेक लाइन पे ये बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लगता है और बहुत ही अच्छा सा एक फ्रिल है तो आपका बेबी बम भी काफी अच्छे तरीके से कवर करता है और जैसे कि बहुत लोगों को नहीं पसंद कि ज़्यादा दिखाई दे बेबी हम तो इसमें ये ऐसा है कि थोड़ा सा हाइट भी हो जाता है स्लीवलेस uh, है ये फिटिंग के लिए नहीं है बट अदरवाइज दिस इज वेरी नाइस समर अप्रोप्रिएट है समर के लिए बेस्ट है आप प्रेगनेंसी में भी वेयर कर सकते हैं मेरा साइज अगेन मैंने सारा ही एल साइज में ही लिया है और ये काफ़ी काफ़ी ज़्यादा मुझे कंफर्टेबल भी लगा नेक्स्ट है ये वाला आप बोल सकते हो मेरा फेवरेट है बिकॉज मतलब जिस प्राइस में है ये प्राइस वाइज भी काफी ज्यादा सुंदर है आप इसे बाहर कहीं पे भी पहन के जा सकते हो और इसका जो आगे का ये अंग रखा वाला स्टाइल दिया गया है वो बहुत अच्छा लगा कलर बहुत प्यारा है वाइट व्हाइट कलर के बीच बीच में पूरा स्ट्रिप्स दिया गया है एंड द बेस्ट पार्ट इज कि इसमें भी क्योंकि इतने अच्छे नेक लाइन के डिजाइन में जल्दी फीडिंग वाला नहीं मिलता है और इसमें भी चेन दिया गया है जिसमें कि आप इजिली बेबी को फीडिंग करवा सकते हैं और बाहर आने जाने के लिए भी काफी ज्यादा अच्छा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इधर दोनों ही साइड चेन दिए गए हैं एंड इसका लुक बहुत ही ज्यादा ऑपरेटिव लगता है मुझे तो बहुत ही पसंद है नेक्स्ट इज दिस कुर्ती जो कि आप देख सकते हो ब्लू कलर का है और इसमें जो प्रिंट है वो जयपुरिया वाला जो प्रिंट होता है वो वाला है आगे का जो दिया गया चेस्ट पे वो भी काफी अच्छा लाइक दोनों का कॉम्बिनेशन काफी अच्छा दिया गया है एंड अगेन ये फिडिंग वाला है तो आप इसे बाहर भी इजिली वेयर करके जा सकते हो इसे वेयर करने के बाद बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इसका जो कलर है मुझे वो बहुत अच्छा लगा इसका मटेरियल भी वही मिक्स कॉटन है बट कम्फर्टेबल है ऐसा नहीं कि आपको थोड़ा भी स्किन में इरिटेशन देगा नो और ये भी मैंने एल साइज़ में लिया है एज यू कैन सी और बेबी बम भी काफ़ी अच्छे तरीके से कवर किया है पूरा लुक काफ़ी ज़्यादा मुझे प्यारा लगा इसमें एंड दब अगेन प्राइज इज ऑल्सो काफी ज्यादा अफोर्डेबल है एंड साइड में इधर छोटी सी एक डोरी दी गई है सो यू कैन एडजस्ट एंड समर अप्रोप्रिएट भी है तो so डेफिनेटली आप इसे समर में वेयर कर सकते हैं अब तक मैंने जो आपको दिखाया वो तो आप रेगुलर डेली वेयर के लिए वेयर कर सकते हो थोड़ा सा मार्केट वार्केट जाने के लिए लेकिन शादी पार्टी है तो क्या पहने बिकॉज यू नो आपको बेबी भी है आपके साथ बेबी बम भी है तो उसके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है मेरे पास जो कि आपको मैं यहाँ दिखा सकती हूँ कि ये पिंक कलर का चुनरी में गोटा पट्टी के साथ वर्क किया हुआ ये बहुत ही प्यारा लगेगा एंड इसमें आ, आप बिग साइज ले लो तो आप इजिली से वेयर कर सकते हो इवन अगर आप प्रेग्नेंट नहीं हो तो भी आप इसे ले सकते हो लाइक अगर आप किसी पार्टी में जा रहे हो कोई फंक्शन है पूजा है ये बहुत ही परफेक्ट है कैन सी इसका कलर बहुत प्यारा है दूसरा इसका जो दुपट्टा है कैन सी बहुत ही ज्यादा लाइट वेट है बहुत ही प्यारे कलर में है येलो और पिंक कलर के कमरे में दिया गया है और इसके साइड साइड में भी गोटा पट्टी दी गई है नेक्स्ट एंड द लास्ट ड्रेस ऑफ दिस हॉल इज दिस ब्लू कलर का आप देख सकते हो कितना ही प्यारा इसमें प्रिंट किया गया है वाइट प्रिंट है और साथ ही साथ ब्राउन कलर का प्रिंट है और ये जो सूट है ये नायरा कट सूट है यू कैन सी टाइम काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है ये और गर्म जैसे कि मैंने बोला समर के लिए भी परफेक्ट है ये वाला भी इवन जो मैंने पिंक वाला दिखा है वो भी आपको ऐसा बहुत ज़्यादा हैवी नहीं लगेगा बट इसके वर्क आप ईजीली पूजा में शादी में पार्टी में वेयर कर सकते हो आगे इस तरीके से दो डोरी दी गई हैं यू कैन टाई और फिर इसमें वर्क भी किया गया हैंड वर्क है आगे की तरफ कुछ इस तरीके से एंड साइड साइड में प्लेन सिर्फ प्रिंट दिया गया है पूरा जो वर्क है आगे चेस्ट पे है एंड इसके बॉटम में भी सेम वही बॉर्डर दिया गया है जो ड्रेस में है मैचिंग के लिए काफी अच्छा है एंड ये कुछ इस तरीके से इसका नीचे का बॉटम दिया गया है पैंट में जो तो दुपट्टा है वो कॉन्ट्रास्ट में है और इस कलर का और मतलब पिंक है डार्क पिंक आप बोल सकते हो डार्क मतलब पिंक और रेडिश मिक्स आप बोल सकते हो और साइड में इस तरीके से लेस दिया गया है एंड बहुत ही अच्छा कॉन्ट्रास्ट कलर है तो मैचिंग काफी अच्छा हो जाता है सो लास्ट के ये दो ड्रेसेस आप प्रेग्नेंट हो नहीं हो आपको हर साइज़ प्रेग्नेंट हो तो आप बिग साइजेस में ले लो वो कंफर्टेबल पड़ेगा और अदरवाइज सारे ही साइजेस में मिल जाएगा ये दोनों ड्रेसेस आप मुझसे बाय कर सकते हो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको इंस्टाग्राम का आईडी दे दूंगी वहां पे आप डीएम करके बाय कर सकते एंड बताइएगा इन सारे ड्रेसेस में से आपको कौन सा सबसे ज्यादा पसंद आया एंड या गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो में मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में टिल देन बाय एंड बी स्टाइलिश